every director would like every role in the film, whether it's a 1 minute speaking part or non speaking part, to be cast with a good actor. We had tried that in Arjun and it worked very well. In Arjun, apart from the main characters, they were all people who were not actors. But we casted them according to look. That's how the role came. एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ इसी बात से रिलेटेड। आप लोगों को इस बात की खुशी होगी जानकर कि मैं इस शहर के अंदर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करके आया था, बहुत स्टडी किया मैंने एज एन एक्टर। और मुझे मालूम है एग्जैक्टली कि जब आप इस शहर में आते हो तो टैलेंट तो मस्त है ही है आपके पास, अगर आपका एक टैलेंट नहीं है तो कुछ है ही, लेकिन उसके बावजूद सही जगह सही लोगों से मिलना उससे भी ज्यादा कठिनाई कठिन काम होता है। पहले तो आपको यही मालूम नहीं होता कि सही लोग कौन है, क्योंकि जब आप 100 लोगों से मिलते हो तो 75 तो गलत होते ही होते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कोऑर्डिनेटर जो है सब गलत है। और दूसरी बात क्या होती है, आपने आप कुछ सीख के आते हैं, कहीं से भी आते हैं, किसी भी चीज से आते हैं, जहां से भी आते हैं, कुछ सीखा होता है आपने, तो सीखते हैं, तो एक सीखने का एक अपना उन्माद होता है, एक अपना एक्साइटमेंट होता है। लेकिन जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो उसके बाद जो रियाज जो आप रोज करते थे, जिस जो एक्साइटमेंट आपको होती थी, जो वो आपको मिलता नहीं है, तो आप ढूंढते हैं कि कहाँ जाएं। ये शहर में कोई आपको जगह ही नहीं है जहाँ पर आप, आपके अंदर तो बहुत कुछ भरा है ना, पिक्चर देखते हो आपको लगता है यार इसकी तो मैं आज ये डांस इससे बैठे रहते क्या यार ये परफॉर्मेंस है, मैं ऐसा कुछ कर सकता, लेकिन कहाँ करें, सड़क पर करेंगे आप, कि वो जगह ही नहीं है। हम एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे आई टी हमारे जहाँ पे टैलेंट कैन कम, यू वांट टू डू अ प्ले, डू योर प्ले, डू विद योर पीयर्स, यहाँ आपको कमर्शियल उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग कहेंगे अरे यार क्या घटिया एक्टर है, क्या किया, अपने दोस्त यार बोलेंगे यार अच्छा किया तुमने, यार नहीं किया तुमने ऐसा कर देना चाहिए। बट जहाँ आप अपना भड़ास को निकाल सकते हैं, जहाँ हम लोगों को बुलाएंगे इंडस्ट्री से जो आपको आप कभी कभी मिला करेंगे, so you have a place, you can come and sit, you can sing, you can perform, and this is no obligation whether you are a student or you are not a student. If you are a talent, we do a weekly thing, you can come here at a particular time, you want to come and sing here, just sing. You want to do a stand-up comedy, stand and do it, and there will be 50 people of your peers watching you who will say yes, very good, or will say nahi yaar maza nahi aaya tere ko, but usme fear kuch nahi hai ki main reject ho jaunga ya select ho jaunga. To aapko ek apne talent ki jo bhadas hai wo nikalne ka ek mauka milta hai. Aap kuch seekhte hain jab koi acha gaa raha hai ya koi bura gaa raha hai, to aap nahi yaar ye sur mein nahi gaya isne ya tu acha kar sakta tha. So this is what we are going to create. We are already in the system also. ये जो आपने कहा कि यहाँ पे कोई भी आई हैव रियलाइज दिस कि हमारे यहाँ कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है इंफॉर्मेशन का कि कहाँ ऑडिशन होगा और कौन सा ऑडिशन सही है या कौन सा ऑडिशन गलत है, या ऑडिशन है कि नहीं, या कहाँ होगा, या आप बैठे हुए अपने घर में तो आपका ऑडिशन वर्सोवा में हो रहा है तो आप क्या करेंगे. वी आर कमिंग विद अ प्लेटफॉर्म विच विल सॉल्व ऑल दिस इशू इन अनदर 3 months ऑफ टाइम. Anywhere in this country or in anywhere in the world, you will have an access to at least hundreds of auditions every day. So, you have to सड़क पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है, या फोन घुमाने की जरूरत नहीं है, या कोऑर्डिनेटर्स के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार उसको फोन करो और कहाँ पे चल रहा है, कौन सी कास्टिंग कहाँ पर होगी. When I ask them what kind of role, so you got to tell me the kind of role you like. You know, I like to play a very jovial girl. I like to play somebody serious. You don't tell me, you know, I'm very good
And I can do the same kind of work as Alia Bhatt is. You can't. She's Alia Bhatt, she's come there. You know, you can't do that. So, but they're all comparing that. I'm very good. I'm like, I need work like Vidya Balan. I need work like Rani Mukherjee for what? I'm asking you. I do something very funny for this week on roles. There's a Pakistani actress called Meera. Meera is a big star. Meera is a screen. She speaks as much English as I speak Japanese. You know, she knows that much English. And I was flying on PIA from Karachi. And the crew, they were talking about Meera. They said that Mr. Vibhu, Meera was on the flight with me. And I asked her, I said, Meera ji, what kind of role do you like? And she said, oh, I love chicken rolls. So, कोई और पूछे हाँ जी from this business, but your recollection of the scenes which you just talked and the point which you have taken is fantastic. Sir, one more thing. Pre Arjun Sanidhar and post Arjun Sanidhar, you are the only person who actually back here, because after that you mentioned about the loud acting. Actually, school of acting is also changed. But your ability to use him in Dakhayat and Arjun, his weakness is his eyes spoke. He never had any dialogue, but now he is like shouting and screaming, right? I think you had the ability and talent to identify those things. I think when Sunny, which I felt is much better as a quiet person, speaks less, he's also a film which is loud. There is one director who has handled him very well, and that is Anupam Santoshi. Santoshi is the only director who knows how to do Sunny. And you, sir. So Santoshi, he's been very good. That's how I went at it. I mean, me at one stage, you just paid me a very compliment and said, you know what? At one stage, yes, even I felt, you know, am I actually good? And I did, because of the adulation and all that, which is normal. And that's when I needed a tap of money on my back, which I got. Expensive tap, but I got that tap. Then I got to making films like Arjun Pandit. This film I enjoyed me. Again, after Arjun Pandit, I felt, Kine, you know, maybe I am actually for it. I really managed to make Arjun Pandit. I'm not. Expensive lesson. But I learned one thing, and experienced one thing. The style of filming is something which I did not agree with the style of filming. I could not agree with making films the way an actor works. Today's whole filmmaking is, कौन सी फिल्म कर रहा हूँ मैं फिल्म कर रहा हूँ अर्जुन नाम कैसा अच्छा
सर डायरेक्टर कौन है, अरे यार वो तो वो बताया ना कि डायरेक्टर कौन है. दिस इज डू नॉट सो आई वुड रादर नॉट वर्क देन वर्क लाइक दैट. बट नाउ आई एम द स्टेज वेयर आई फील दैट इन मी आई हैव द सेम पैशन एज इग्नाइटेड मी व्हिच आई हैड व्हेन आई मेड लव स्टोरी. द फिल्म ऑफ रितु कुमार इज कॉल्ड लव स्टोरी. नाउ लव स्टोरी इज द ओनली फिल्म in the world which does not have a director's credit. The director's name is Mahdi. I had some clash with Vijay Kumar, but the film was totally complete. And the film released without my name. I was very upset. Then Dharamji called me for Bihar, which was Bihar. And then I worked like a madman. Till I became complacent, which was wrong. Today I'm in the stage where I feel that whole thing is back there. I've got the same power, same thing, but I will not be able to work with stars. Or maybe stars will not want to work with me. Even if they would work with me, I will not want to work with them. So I try to make a film in my way. So I hope I can. And I meet lots of people who tell me, why aren't you making films anymore? I promise you that I will. And I'll try and make a film. That's all one can try to. So it is very important what you said is that one must understand one's weakness and complacency also. Being complacent is a lot. जब आपको ये लगने लगे ज़िंदगी में कि आप सब कुछ कर चुके हैं या कर रहे हैं तो भी problem होती है. So you know constantly changing is also very important in life. So first time I've spoken about this on board because I am no Sharan and Singh. So what? There's nothing to be embarrassed about. It's okay. It happened now. That's part of life. Anybody want to ask a more pleasant question? I'm joking. I'm joking. Honestly, I'm so glad you asked me. I really am. Yes, sir. So, sir, this is not as pleasant as what he asked. I just wanted to know your opinion. Like, see, आप actor बनते हो, ये acting करके या divorce करके आते हो, ठीक है? You must be like आपका film भी चल रहा है, series या कुछ भी चल रहा है. Then side by side, if you are doing theatre also, so what's your opinion on that? As to how does it help? Theatre is a wonderful thing to do. It holds your skills as an actor. There's a big difference between theatre and film. Not that much. In theatre, you have to be down. The camera is staying far away. Your expressions can't be seen. So what can't be seen is expressed through your voice. So what we know, it's very difficult to do. In films, you've got to be very careful with your expressions because your expression will be captured by the camera. So as an exercise, it's very good for actors to simultaneously do theater. Because it's something where your acting skills are. But provided you keep these differences, training is important, huh? Please understand all of you. Don't think you were inherent. ये तो मेरे में बचपन से आया. ऐसा कुछ नहीं होता. Did you know that I or आपने बोला मैं तो acting करूँगा नहीं. If you, I said, if you were seed of being a good actor, training will make you much much better. But if you say to help with the training, यार क्या तुम बात से कर सकते हो? The thing is, you as a director, when you meet the actor, this is a personal decision. You have to decide whether this man will fit my role or not. B, will I be able to handle this man as an actor? C, is there a bond of faith between me and him? Does he
actor has faith in me, if he does not, nothing happens. If the director has no faith in the actor, nothing happens. So these are the decisions you have to make. And you have to be very careful with your decisions. You know, it's not every time you decide on the spot you take something. It takes a little time. And I'm glad, you know, that there is, I've been to lots of schools in Bombay also, in Delhi. Delhi has a good school in every corner. Yeah. It's really strange. And I'm glad Sashi's worked with this place over here. And it's his commitment, I think, which I can do one thing. It may not be by history, by the way, it can't be. But I've seen the whole thing. And one thing he said today, that you have this place. You want to sing Tamil song. You want to stand up Tamil. You have a place to meet and perform. You know, the more you do it, the more. It's a very critical thing he said. Nobody does it. Because I understand the pain. कि हम ढूंढते थे जगह कि कहीं जाके यार कुछ कर तो सके. मेरे को बहुत स्टूडेंट्स फोन करते हैं सर जब हम वहाँ जाए तो बहुत अच्छा लगता था, अभी हमको मालूम नहीं है. और सुबह सुबह जब आप उठते हो तो बॉम्बे में तो बहुत सालों तक सर एक रिजेक्शन होती है एवरी चीज. नोई की फोन आते हैं ना, नोई नोई का वो जो होता है. तो आप कितने भी ऑप्टिमिस्टिक हो भाई, इवनिंग यू आर डिप्रेस्ड और आपको लगता है यार चले जाना चाहिए या रहना चाहिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन कॉन्स्टेंट होता है. नहीं होता आप सब लोगों के साथ, सबके साथ होता है. नहीं तो मैंने मुझे जब स्टूडेंट बोलते थे मैंने कहा यार ये कैसी चीज रखनी चाहिए. मुझे भी होता था कि इनको एक ऐसी जगह आए जो इनकी अपनी जगह है, जहां पे वो फियरलेस होकर कोई आप कहीं थिएटर में जाते हैं या कोई आपको छोटा रूम का फियर होता है, कमर्शियल कंस्ट्रेन होती है, पता नहीं अच्छा हो रहा है कि नहीं यार, पैसा मिलेगा नहीं, बहुत सारे फियर होते हैं. लेकिन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं यहाँ देना चाहता हूँ जहाँ आप आके बिंदास जो चाहिए वो कीजिए, सो दैट यू गेट टू नो हाउ यू आर इंप्रूविंग और यू आर डिजेनरेटिंग. एंड व्हेन यू सिट विद पीयर्स, अब इस शाम से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. हम सब लोग आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कुछ ना कुछ घर लेके जाएंगे. सो क्रिएटिव फील्ड में व्हेन यू डू ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज इट गिव्स यू समथिंग. प्रोजेक्ट से कनेक्ट होने का क्या तरीका है? So it feels like it is more 50% is singing and 50% is your, you know, on stage performance. Aap kaisa behave kar rahe hain, aap kaisa probably dance kar rahe hain with singing. So how important is that acting part on stage for a singer perspective? No, I think for the singing, the voice and the way you sing, because when you sing it correctly, and the feeling will come to your face automatically. So, but if you're going to pretend to get that feeling, you're going to act that feeling and sing, it will not be correct. The feeling comes, in fact, there's some very good singers among these. They
But I will add one thing that क्योंकि आजकल बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंसेज इवेंट जो है आज की जिंदगी का कि आपको बर्थडे से पे भी इवेंट होता है यू नो बच्चे के मुंडन पे भी इवेंट होता है और हर एक चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए तो बहुत सारा इवेंट बेस्ड हो गया है म्यूजिक में बहुत होता है तो अगर आप सिंगिंग के साथ साथ आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और उस पर भी काम करें लुक के ऊपर तो उसमें आपको स्टेज परफॉर्मेंस में बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज अभी वर्ल्ड जो है सिंगिंग चेंज हो गया अब हो गया परफॉर्मिंग हु इज परफॉर्मिंग So I think that in a facility like IDL, you have this advantage that you're going to sing. They also have an acting at IDL. So when you are singing, I'm sure the acting will help you. ये अड्डा जो बना रहे हैं ये अड्डा इसीलिए है कि आप आइए ना यहाँ स्टेज पे आइए परफॉर्म कीजिए बिकॉज द मोमेंट यू सिंग पर भी आप अगर गाएंगे पूरे जोश के साथ पूरा समझ के गाना क्या है आपके एक्सप्रेशन में ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे बिकॉज दैट विल बी इन सिंक विद द सॉन्ग नॉट बी थैंक्स थैंक्स या भाई जितना मुझे लगता है मुझे भी कुछ सीखने को मिला इनसे हमेशा ये होता है और बहुत अच्छे थे सुन रहे थे ध्यान दे रहे थे बहुत नहीं मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास ऐसे शुभचिंतक और दोस्त हैं जो इतना एक्सपीरियंस रखते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है और वो आज अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए आए तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है सो सर आपने क्या-क्या टिप्स दिए हैं बच्चों को एक तो शशि ने झूठ बोला कि जी मैं एक अलग जनरेशन का हूँ ये बात की वैसी कोई बात नहीं टिप्स तो कुछ आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फिल्मों में और मेरे हिसाब से कि आपके एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं कि क्या हो रहा है बहुत यादें बन गई ताजा हुई इनफैक्ट जब वो गाना बजा रहे थे वॉज वेरी नॉस्टैल्जिक बिकॉज मेरे को हर चीज़ याद आ रही थी फिर बहुत चल बहुत टाइम लग जाएगा फिर मैं रात भर यहीं बैठूंगा मैं बोल रहा हूँ कब थॉट आया ये नहीं ये ख्याल तो मुझे जब मैं स्ट्रगल करता था तब से था कि भाई काश मुझे किसी दिन एक मौका मिले कि मैं शायद कुछ वापस उस टाइम तो यही जद्दोजहद थी कि खुद काम कैसे मिले लेकिन जब मेरे पास थोड़ा सा ये हुआ कि मैं एक ऐसी पोजीशन में आया कि आई कुड गिव बैक समथिंग टू दिस थिंग देन आई थॉट ऑफ यूजिंग दिस स्कूल एज अ मीडियम माई पे बैक टाइम टू द मीडियम सर आपने भी एक इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन एक्टिंग का किया था मैंने हाँ लेकिन वो क्या था कि मैं इतना टाइम दे नहीं सका उसको तो इसलिए मुझे लगा कि ट्रीटिंग गलत नहीं हो जाए एंड आई विश आई हैड डन इट बट देयर आर पीपल लाइक शशि वाज वेरी वेरी गुड एंड सर्टेन थिंग्स ही सेड टुडे आर वेरी नाइस अच्छा लग रहा है कि बच्चों का आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं किसी भी आदमी जो जिसने इतने अरसे तक काम किया हो किसी बिजनेस में तो वो एक ऐसी पोजीशन पे आता है जब उसका जो एक्सपीरियंस जो उसकी नॉलेज होती है वो इम्पार्ट करना चाहता है वो जो गुरु दक्षिणा जो हमारा शब्द है हमारी संस्कृति में वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कोई होता नहीं है राहुल जी ने जैसे बिल्कुल सही कहा कि ये बिज़नेस मेरे लिए कोई बहुत मतलब ये फ्लरिशिंग बिजनेस नहीं है इसमें बहुत जोखिम है लेकिन मुझे मज़ा सिर्फ इस बात का आता है कि इन माय ओन लिटिल वे बहुत छोटे उसमें संक्षिप्त उसमें मैं कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस और जो मेरे ज्ञान या मेरे कॉन्टैक्ट की वजह से उनको मिल पा रहा है सो व्हाट यू फील कि आपके इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है बिकॉज़ काफी इंस्टीट्यूट है जिसमें देखिए हर इंस्टीट्यूट मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मैं सोचता हूँ
कि हम एक चीज़ जो बाकी शायद नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि हम उन्हें सही लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मिलवा रहे हैं, जो अपने आप में बाकी जगह आपको शायद बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी मिलती होगी, सब चीज़ होगा, लेकिन एक ये एक्स्ट्रा एफर्ट उस पीरियड में जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं वो शायद हम इकलौते लोग हैं जो करते हैं। जैसे हमने कहा ये अड्डा जो हम शुरू कर रहे हैं, ये अड्डा मेरे ख्याल में किसी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ करते हैं। इसका एक खर्चा है, वो भी मैं आप खुद बेयर करने को तैयार हूँ। और इसमें हम ये नहीं करें कि सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट हैं, जो एक्सएक्टिव आए हैं वो भी आ सकते हैं। कोई म्यूजिशियन सोचता है मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ, कोई सिंगर सोचता है मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, प्लीज़ कम एंड बी ए पार्ट ऑफ इट। मैं नहीं मानता हूँ इसमें, क्योंकि वो तो है ही कि बहुत लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा ईजियर है, लेकिन ये सक्सेस का गारंटी कोई नहीं दे सकता। मेरे दोनों बेटे का जी जी ठीक है, मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ, आई थिंक वेरी सून जल्दी हो जाएगा। ओके सर, कुछ आप टिप्स और वगैरह कुछ ट्रेन करते हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल नहीं, मैं बात ही नहीं करता हूँ, डरता हूँ बच्चों से बात करने के लिए। नहीं नहीं, आपको कभी आपको लाइक कुछ टिप्स लेने नहीं? हाँ, वो पूछते रहते हैं बातें, वो करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्राउड सर, यसी के साथ काम करना तो वेरी बिग थिंग। ओके सो सर, इतने मतलब आई थिंक 2007 के बाद आपकी कोई मूवी देखने मिली नहीं है, तो कब आप आई थिंक इंडस्ट्री जल्दी जल्दी बिकॉज एवरीवन इज रिवर्टिंग। थैंक यू सो मच, आई विल वेरी सून। ओके सो लास्टली, यहां पे तो कुछ थोड़े बच्चे थे, और भी जो बच्चे आपसे सीखना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कि काम करें अपना, मेहनत के साथ कर रहे हैं, ऑब्सेशन, मेन थिंग इज ऑब्सेशन, टोटल ऑब्सेशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।